तो आज हम लोग पैनकेक्स बनाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। हमने व्हीट फ्लोर लिया है और हमने मिल्क लिया है, ये थोड़ी सी दालचीनी 2 पिंच, और ये चीनी, और ये हमारा बेकिंग पाउडर। स्टार्ट करते हैं। पहले व्हीट फ्लोर हमने इसमें डाल दिया, फिर हमें इसके अंदर चीनी डाल देनी है। भी मिल चुका है, अब हम इसके अंदर दालचीनी भी डाल देंगे। और हमें सिर्फ 1 ग्लास दूध लेना है, तो धीरे धीरे करके डालेंगे। और अगर मिल्क कम पड़ेगा तो आप और भी ले सकते हैं, तो आपके बैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा बैटर ज्यादा था, ये मिल्क कम पड़ गया, तो हम और ले लेंगे। अब हमारा बैटर बन चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैन को ग्रीस कर लेते हैं। काले तेल लेंगे, हम लोग बेकिंग पाउडर थोड़ी देर बाद में लाएंगे। पैन ग्रीस हो चुका है, अब हम बैटर को 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। तो गाइस, बैटर को रखे 5 मिनट हो चुकी, एक बार इसे अच्छे से हिला लिए। बनाने के बाद बेकिंग पाउडर, तो गाइस जब हम बेकिंग पाउडर लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ले। अब हम पैन की तैयारी करते हैं, ग्रीस कर चुके थे। अब पैन को गर्म होने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो गाइस, अब गैस पैन गर्म हो चुका है, अब हमें धीरे धीरे करके बैटर डालना है। हमें शेप देने की जरूरत नहीं है, शेप खुद आ जाएगी। आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमें इसको 1 मिनट के लिए ढक के रखना है, फिर एक बार चेक कर लेंगे
और अगर ना बनाओ तो फिर से ढकते हैं। अब हम ये बन चुके हैं, हमें अब इसके लिड को हटाना, लिड को केयरफुली हटाना, वो गर्म होगा स्टीम की वजह से। आपका फिर ऐसा दिखना चाहिए, गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। तो गाइस अभी से हटाने के बाद पलट देना है, ऐसा दिखेगा हमारा। तो अब वापस लेट से ढक दे, रोकने का। जब हमने दूसरे लेट से ढक दिया उसमें दिक्कत हो रही थी, तो अब इसे भी पकने दे 30-40 सेकंड्स के लिए। अब वो हमारा बन चुका है, हमें अब ये निकाल लेना है। आप किसी भी प्लेट में निकाल सकते हैं अभी के लिए। ये हमारा एक आ गया है, ऐसे हम अब 3-4 और बना लेते हैं, फिर आप सुनिए। तो गाइस अभी हमारे 3 पैनकेक्स बन चुके हैं, अब हम चौथा लास्ट बना रहे हैं। तो अभी ढक देते हैं, ये बन जाएगा अभी। देखिए इनके अंदर कितने अच्छे अच्छे कलर आए हैं ये, और हम इनको गार्निश भी करेंगे बाद में। हम इन्हें हनी से, बटर से और पाउडर शुगर से गार्निश भी करेंगे। गाइस अब हमारा 4 फाइनल बन चुके हैं, निकालते हैं और इसको भी। तो गाइस अब हम हनी गर्म करेंगे, मैं चम्मच निकाल लेता हूँ निकालने के लिए। ये हनी हम गरम गार्निशिंग के लिए कर रहे हैं गाइस, हमें इस हनी को हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे हनी गरम ना करना, तो बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पिघला। हम हमारे जो ये पैनकेक्स है ये हम रख लेते हैं। अब हम इस पे हम पहले बटर कट करके डालेंगे। बटर रखती है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा काजू शुगर है। मैं पाउडर शुगर लाया, हाँ तो मैंने पाउडर शुगर भी डाल दिया। तो हमारा ये बन चुका है। तो गाइस अब हमारा पैनकेक, तो गाइस अब हमारा पैनकेक बनकर पूरा रेडी है। देखिए कितना टेस्टी डिलीशियस लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ये आप हाँ ये पैनकेक की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।